क्या आपको पता है कि साल 2013 से एक ऐसा इंसान है जो कि कनाडा में पाया गया और उसे द अननोन पर्सन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंसान जो है ये अपना आइडेंटिटी आज तक नहीं बताया है। और ये अजीब बात है कि ये किसी को मालूम भी नहीं है कि इसके पेरेंट्स कौन है, इसकी दीदी कौन है, इसका बच्चा तो नहीं होगा ऑफकोर्स, मीन्स इसके फैमिली मेंबर्स कौन है। अजीब आदमी है द अननोन पर्सन। और इसके जो फिंगरप्रिंट है ये चार इंसान से मिलते हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। और ये अपना नाम जो बताया है वो ऑफकोर्स फेक नाम बताया है, हरमन इमानुएल फैंकेम। बहुत अजीब सी बात है। और ये इंसान आज भी अपना टाइम जेल के अंदर रोटी खा के बिता रहा है। फैक्ट नंबर 20, साल 2018 का जो दिसंबर का महीना था वो धरती के लिए सबसे खतरनाक महीनों में से एक था, क्योंकि साल के इस महीने में आसमान में धरती के सामने ही एक स्पेस रॉक जो है वो इतनी जोर से एक्सप्लोड हुआ जो कि हिरोशिमा इंसिडेंट का करीब 10 गुना ज्यादा एनर्जी के बराबर एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। ये धरती के लिए एक बहुत ही भयंकर घटना थी। और इस टाइप का जो इवेंट होता है, धरती के सामने से कुछ गुजरना और एटमॉस्फेयर में फटना, वो भी इतनी इंटेंसिटी का, ये जो है ये सेंचुरी में एक या दो या तीन बार होता है। बहुत ही अजीब बात है। फैक्ट नंबर 19, आपका जो घर है आपको क्या पता है कि आपके घर के नीचे क्या क्या मौजूद है? ऐसे कई घर होते हैं जिसके नीचे माइंस होता है या फिर कुछ भी एंशिएंट चीज होता है, क्योंकि आपका जहाँ घर है वहाँ आज से हजारों साल पहले पता नहीं क्या होता होगा, है ना। तो ऐसे ही ब्लैक हॉक नाम का जगह है साउथ डकोटा में, यहाँ पे मस्त एक प्लॉट बन रहा था और वहाँ पे घर बनना बहुत जोरों शोरों में लगा हुआ था और कई लोग रहने भी लगे थे। और एक दिन अचानक से ये जो फोटो देख रहे हो आप, ऐसा कुछ दिखा और ये बिल्कुल रियल है। ये कोलैप्सिंग जिप्सम माइन था और इसी के ऊपर पूरा घर बन रहा था। इस हादसे में किसी की मौत तो नहीं हुई, बट उस जगह के नीचे क्या था वो पता चला। और सबसे अजीब बात ये है कि वो जो गड्ढा बना उसके अंदर एक कार भी मिला, एक अबैंडन्ड कार। फिर बाद में उस जगह के ऊपर के घरों को भी हटा दिया गया। ये साल 2020 के ही मई महीने की बात है। फैक्ट नंबर 18, आपको पता है ना कि सॉन्ग्स में जब अवार्ड्स मिलते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट सॉन्ग, सबसे अलग अलग टाइप का परफॉर्मेंस वाइज अवार्ड्स मिलते हैं, बट क्या आपको पता है कि वर्स्ट सॉन्ग का अवार्ड भी होता है? मैक हैमर का एडम्स ग्रुप ये जो गाना था, इस गाने को गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड फॉर वर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था। जी हाँ, ये ट्रू है, सॉन्ग में वर्स्ट का भी अवार्ड मिलता है। और ये जो गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड फॉर वर्स्ट ओरिजिनल सॉन्ग है ये बहुत ही फेमस अवार्ड है। फैक्ट नंबर 17, एक मैथमेटिशियन थे बर्ट्रांड रसल और वो 360 पेज का एक प्रूफ लिखे थे जो कि शो करता है कि 1+1=2। और ये अजीब बात है कि इसको, इसके पहले ये जान लो कि कोई भी चीज का जो प्रूफ होता है ना, एक्चुअल प्रूफ जो कि बताता है कि ये है, बस है, वो मैथमेटिक्स से तय होता है किसी भी चीज का, ठीक है। और 1+1=2 सिंपल सा टर्म लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट बात यह है कि इसे फंडामेंटल लेवल पर प्रूव करने के लिए 360 पेजेस लगे थे। फैक्ट नंबर 16, ये जानवर को देखो, इसे गेरेनुक कहते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये दुनिया के सबसे एस्टोनिशिंग दिखने वाले क्रिएचर्स में से एक है और अजीब एनिमल्स के लिस्ट में एक आता है हुडेड सील, और इसे भी आप देख सकते हो। ये क्रिएचर्स बहुत कम दिखते हैं बहुत जगह, मतलब इसके बारे में कोई जानता भी नहीं। और आपको पता है कि जिस तरह, मतलब एक डीप सा फैक्ट है कि चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो कोई भी एनिमल हो, इसमें जो एक जेंडर है वो दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करना चाहता है, सिंपल बात है, मेटिंग के लिए, बायोडाइवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, इन अ टेक्निकल टर्म। तो ये जो इसका जो ये मुंह है ना, ये काला काला टाइप का, ये इसी के प्रजाति में जो अपोजिट जेंडर है उसके लिए अट्रैक्टिव होता है। मतलब ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, मतलब इसे अपोजिट जेंडर देख के कहती है वाओ, सो अट्रैक्टिव। फैक्ट नंबर 15, 1900 के समय में एक औरत थी सोबर सिव नाम की, और क्या है कि वो कभी हंसती नहीं थी। और एक थिएटर में एक ऑफर निकाला गया कि जो भी उस लड़की को हंसा देगा उसे $1,000 मिलेंगे। तो बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस आए और एकदम टॉप कॉमेडियंस सब वहां पे इस ऑफर के लालच में आ गए और बहुत भीड़ भी लगी। और आप यकीन नहीं करोगे, तब भी उस औरत को कोई हंसा नहीं पाया, उसका मुंह एकदम ऐसे था, Not funny। बाद में ये पता चला कि उसे एक बीमारी थी जिसके चलते उसका फेस का जो मसल था वो कभी स्माइल कर ही नहीं सकती थी। Sober Sue, amazing, that's weird।
फैक्ट नंबर 14, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, क्या आपको पता है कि उनके लिए भी एक मोबाइल होता है जो ब्रेल होता है, उसमें वो फील करके पढ़ते हैं क्योंकि उसमें उठा उठा रहता है, ठीक है। तो फोन भी कुछ इसी तरह का होता है, उसमें डायनेमिक ब्रेल आता है। ब्रेल टेक्नोलॉजी को यूज करके ब्लाइंड पीपल भी फोन चला सकते हैं आजकल के दुनिया में। इस फोन में स्पेशल पिंस होते हैं जो कि ऊपर नीचे अप डाउन होते हैं, और इसी को फील करके वो ब्लाइंड पर्सन उसके इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्रेड के बारे में बताना चाहूंगा। क्रेड इज एन ऑनलाइन क्लब। आपको तो पता ही होगा कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे करते समय आपको उस बैंक का रेस्पेक्टिव एप्स को यूज करना पड़ता है, मल्टीपल एप्स को। बट थ्रू क्रेड आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड का बिल एक ही ऐप से पे कर पाओगे और अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स को एक ही प्लेस पे मैनेज कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड में आप जब कुछ स्पेंड करते हो तब आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बट क्रेड पे इससे भी बढ़कर जब आप अपने बिल को टाइम पे पे करते हो तो सिर्फ आपके इस टाइम पे पे करने के लिए ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रियली, एंड दैट्स रियली ऑसम। और साथ ही साथ क्रेड आपको आपके रेस्पेक्टिव क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस को भी रिवील करता है। क्रेड पे साइन अप करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बस नेम, मोबाइल नंबर डालना है एंड क्रेड आपका क्रेडिट कार्ड एंड क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली ही फेच कर लेता है। जिसका क्रेडिट स्कोर 750 या अबव है वो क्रेड को आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। क्रेड ऐप का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू शुड चेक इट आउट। फैक्ट नंबर 13, एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं बूलियन पाइथागोरियन ट्रिपल्स प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है ये ऐसा मतलब एक क्वेश्चन है जो कि अनसॉल्वड था, इसमें एक मैथमेटिकल प्रूफ रिक्वायर्ड था। तो क्या किया गया कि इस भयंकर से क्वेश्चन को कंप्यूटर में डाल दिया गया और इस क्वेश्चन का साइज ही 200 टेराबाइट्स था। एक क्वेश्चन जिसका साइज है 200 टेराबाइट्स, बाप रे। और तब कंप्यूटर्स ने, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स मिलकर आखिरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए और ये बना द लॉन्गेस्ट प्रूफ इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने में ही एक इंसान को 10 बिलियन यानी 1000 करोड़ साल लग जाते हैं। द बूलियन पाइथागोरियन ट्रिपल्स प्रॉब्लम, मतलब दिस क्वेश्चन वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमंस बट काइंड एक्सेसिबल फॉर द कंप्यूटर्स, और वो सुपर कंप्यूटर्स फाइनली सॉल्व कर लिए। फैक्ट नंबर 12, अब मैं जो फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये काइंड ऑफ शॉकिंग है। जानवरों में जो रैबिट होते हैं ये कितने क्यूट होते हैं, ठीक है, बट इनके बारे में एक थोड़ा डार्क फैक्ट है कि जो रैबिट के पेरेंट्स होते हैं ना वो कभी कभी अपने बच्चों को भी खा लेते हैं, जब वो ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तब, या फिर उनके अपने रीजंस होते हैं। ये रैबिट्स के बारे में एक बहुत ही अजीब फैक्ट है, क्योंकि रैबिट के अंदर ना एक जो बच्चों को प्यार करने का फीलिंग होता है ये नहीं होता है। रैबिट के मम्मी के अंदर जो एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है ना, तो जो एक मम्मी का मदरली इंस्टिंक्ट होता है बच्चों के लिए प्यार, ये मदर रैबिट्स में नहीं होता है। बट यही जो फीलिंग है ये डॉग और कैट्स में होता है, इसलिए आप देखोगे कि कैट के बच्चे या फिर डॉग के बच्चों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने लगते हैं। उनको पता होता है कि ये मेरा बच्चा है और मुझे इसको सेव करना है। बट रैबिट्स में एक बहुत ही ये अनयूजुअल सी वियर्ड सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। फैक्ट नंबर 11, सैंट पॉली हैम्बर्ग जर्मनी में बहुत दिक्कत है पब्लिक यूरिनेशन का, मतलब लोग कहीं भी खड़े खड़े टॉयलेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी बिल्डिंग्स है ना उसपे हाइड्रोफोबिक पेंट कर दिया गया, अगर उसपे कोई टॉयलेट करेगा तो वो टॉयलेट उसको रिफ्लेक्ट करके उसी का शरीर पे वापस आएगा। थग लाइफ मैन। सारे दीवार पर वीर पिंकलेनी जुरुजुक ऐसे कुछ ये लिख दिया गया और उसका इंग्लिश में मतलब है वी पी बैक, मतलब हम वापस से। फैक्ट नंबर 10, CBS न्यूज का ये आर्टिकल देखो। इस आर्टिकल में ये रिपोर्ट किया गया था कि एक डेप्यूटी शेरिफ 6 कैदियों को किसी और जेल में शिफ्ट कर रहा था, ठीक है, और अचानक से वो जो ड्राइव करके ले जा रहा था उनको वो बेहोश हो गया। तो यहाँ पे कैदी क्या कर सकते हैं, टिपिकल कैदी का माइंडसेट से कि उसको मार के भाग जाओ, ठीक है। बट इन कैदियों ने 911 को फोन किया और उसका हेल्प किया। बाद में जब डेप्यूटी शेरिफ को इसके बारे में पता चला तब वो सारे मेन को पिज्जा पार्टी दिए और उनका जो कैद का सेंटेंस था वो कम कर दिए। अजीब कहानी है, सुन के अजीब भी लगता है अच्छा भी लगता है। फैक्ट नंबर 9, स्विट्जरलैंड में एक ब्रिज है जिसका नाम है ट्रिफ्ट
ब्रिज। और ये जो ब्रिज है ये आल्प्स ऑफ गैडमैन में लोकेटेड है और ये 180 मीटर लंबा है और 110 मीटर ऊंचा है। और ये जो है इसको आप देख सकते हो इसका व्यू। ये दुनिया के सबसे डेंजरस ब्रिजेस में से एक है। दुनिया के सबसे डेंजरस ब्रिजेस के लिस्ट में इसको रेट किया गया है। फैक्ट नंबर 8, आपको पता है ना जितने भी गेम्स है इंडिया में, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट, जितने भी गेम्स हैं, एडवांस्ड गेम्स हैं, मतलब आज के दुनिया के। बट गेम्स के मामले में दुनिया का सबसे पहला गेम कौन सा है? तो ये जो गेम आप देख रहे हो ये कंप्यूटर स्पेस नाम का, ये दुनिया का सबसे पहला गेम तो नहीं था बट दुनिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल वीडियो गेम था। इसका मतलब एक ऐसा गेम जो कि मार्केट में आया था और उसे कोई भी खरीद सकता था। बाकी पहले एक्सपेरिमेंटल में तो बहुत कोई अपना छुप छुप के बना खेल रहा होगा, बाकी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया गेम ऐसा तो बहुत निकला था। मींस टेक्निकली फर्स्ट कंप्यूटर गेम, एक नॉर्मल सा कंप्यूटर गेम जो कि एनीवन कैन बाय, वो ये था कंप्यूटर स्पेस। और ये 1971 के नवंबर महीने में निकला था। फैक्ट नंबर 7, जो सुपरमैन का फर्स्ट मूवी था उसमें जो ये एक्टर थे क्रिस्टोफर रीव, इन्हें डायरेक्टर्स ने ऑफर किया था कि तुम फेक मसल लगा लो अंदर में, मतलब एक कुछ भी लगा के फेक मसल अपीयर हो सकता है। बट इन्होंने कहा नहीं भाई साहब रुकिए, अपुन रियल में मसल बिल्ड करेगा। और उसके बाद इन्होंने 2 मंथ का इंटेंस ट्रेनिंग किया और ये अपने 86 kg के बॉडी पे और 14 kg ऐड कर दिए। और वो मूवी के लास्ट सीन्स में इतने हट्टे कट्टे लग रहे थे कि मूवी के अर्लियर शॉट्स में वो काइंड ऑफ मैच नहीं कर रहा था, तो वो सीन्स को इन्होंने फिर से शूट किया। मतलब एक्टर की डेडिकेशन को, मींस एक्टर का जो फाइनेस्ट डेडिकेशन होता है उनके एग्जांपल्स में से एक है ये। फैक्ट नंबर 6, सुपरमार्केट्स में जो एप्पल मिलते हैं ना, जो आप सेव लेते हो, क्या आपको पता है कि जितना भी आप जो भी मार्ट या सुपरमार्केट में जाके जो फल मिलते हैं ना वहाँ पे आप जो लेते हो वो करीब 4 से 5 महीने पुराने होते हैं। मतलब इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कि रियल एप्पल को कभी टेस्ट ही नहीं किए हैं। टिपिकली 6 से 12 महीने उसे स्टोर करके तब बेचा जाता है। और जो भी रियल पेड़ से तोड़ के फ्रेश एप्पल खाते हैं उनको पता है कि रियल एप्पल का टेस्ट क्या है। बाकी लोग क्या जानो बाबू रियल टेस्ट क्या है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो फ्रेश टूटे हुए एप्पल्स को खाए हैं वो ये कहते हैं कि रियल जो टेस्ट है एप्पल का वो मार्वेलस है। बाकी सुपरमार्केट वाला तो नॉर्मल सा टेस्ट करता है। फैक्ट नंबर 5, फिल्म मेकर रगेरो डियोडाटो को अरेस्ट कर लिया गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो एक फिल्म बनाए थे कैनिबल होलोकॉस्ट। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है बट इसके बारे में आज एक न्यू इन्फो है। जिनको नहीं पता, ये एक ऐसी मूवी थी और इसमें इतने इंटेंस सीन थे ना कि इसके जो एक्टर्स थे वो ऐसे मरते हुए दिखाए गए थे कि जो पब्लिक है उसको ये लगने लगा कि डायरेक्टर ने मूवी में सबको मार दिया प्रॉफिट के लिए। और सबसे अजीब बात, मूवी बनने के इतने महीने तक सारे एक्टर्स कहीं दिख भी नहीं रहे थे। मतलब एक्टर्स रियल लाइफ से गायब हो गए थे। अब आपको लग रहा है ये क्या है, और इसी के चलते उनको जिंदगी भर का उम्र कैद भी मिल गया। अब बोलिए आप, फिर बाद में ये पता चला कि वो डायरेक्टर फिल्म का जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होता है उसको रियल फील कराने के लिए उन तीनों एक्टर को ये बोले थे कि तुम फिल्म रिलीज होने के बाद 1 साल तक मत दिखना पब्लिक में, और इसी को सिंपली वो एक्टर्स फॉलो कर रहे थे नहीं दिखने के लिए। बट जब उनको लाइफ टाइम तक जेल में रहने की नौबत आ गई तब क्या करते हैं, तब सारे एक्टर्स आके प्रूव किया कि अभी जिंदा है हम, फिल्म है ये। फिर उनसे चार्ज हट गया इस मर्डर का और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या स्टोरी है ये। जो इन्फो मैंने आपको बताया ये इसके ऑफिशियल IMDb पेज में भी मेंशन है। फैक्ट नंबर 4, बीज मार्की का एक गाना है जस्ट अ फ्रेंड, और इसका जो कोरस है वो इन्होंने गाया। क्योंकि जब ये गाना बना रहे थे तब स्टूडियो में ये बहुत लोगों को बुलाया था इसके अलग अलग गाने के लाइंस को अलग फील देने के लिए, बट इनके स्टूडियो में कोई नहीं आया था। पता है EW.com का ये आर्टिकल आप देख सकते हो। तो उन्होंने इस गाने को खुद ही गा दिया और आज लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कोई और इस गाने को गा रहा है। मतलब बड़े बड़े चीज जो होते हैं वो अक्सर कोइंसिडेंस के चलते ही पैदा होते हैं, और ये एक बार नहीं, मैंने ऐसे हजारों कहानी सुना है अलग अलग फील्ड से, आप भी सुने होंगे। फैक्ट नंबर 3, एक 19 साल का लड़का, PCGamer.com का ये आर्टिकल देखो, 6 साल के लिए इसको जेल हुआ। पता है क्यों? क्योंकि गेम के अंदर इस लड़के ने ये बोल दिया कि मैं अपने स्कूल में जाके वहां पे गन से सबको उड़ा दूंगा।
सिर्फ इस लाइन को बोलने के चलते। उसने गेम में ये कहा था कि वो स्कूल जाएगा और वहाँ के सब बच्चों को वो उड़ा देगा और पूरे स्कूल को तबाह कर देगा, ये बोला था वो। इसलिए सोशल मीडिया पे आप क्या बोल रहे हो, आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट होता है ना, मतलब हर जगह आप अपने बात को रख सकते हो, बट पब्लिकली कौन क्या पोस्ट कर रहा है इस पे अवेयर होके पोस्ट करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो पोस्ट कर देते हैं कुछ भी गुस्से में, और मान लो कि कोई पब्लिकली फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, एकदम सीरियस वाला, मजाक नहीं, मीम नहीं, पैरोडी नहीं, ये सब नहीं, बट कोई सीरियस में पोस्ट कर दिया कि मैं किसी स्कूल को उड़ा दूंगा, तो तुरंत ही उस अकाउंट को पुलिस एक्नॉलेज करेगी और उसके दरवाजे पे आके खटखट करेगी। फैक्ट नंबर 2, मर्सिडीज कार्स जो होते हैं ना, उन कार्स में एक सिस्टम होता है कि जब कोई कार क्रैश होता है ना, जो भी लोग कार क्रैश को एक्सपीरियंस किए हैं वो ये कहे हैं कि जब कार क्रैश होता है ना, तब बहुत जोर से साउंड आता है जो कि कान के पर्दों को फाड़ भी सकता है। वो मतलब इंटेंस अल्ट्रा इंटेंस साउंड। इसलिए ऐसा कोई क्रैश होता है जब एक मर्सिडीज के कार में, तो उसमें कार के अंदर इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है और उसमें एक नॉइज निकलता है जिसे कहते हैं पिंक नॉइज, और ये जो होता है ये आपके कान के मसल्स, स्पेसिफिक मसल को टारगेट करके सुन्न कर देता है, ताकि आप उस क्रैश के साउंड को ना सुनो और आपका कान बच जाए और बाकी हड्डी ना टूटे। इसके लिए तो सेफ्टी मेजर्स होते ही है। फैक्ट नंबर 1, DSLR। आजकल के हम लोग जितने भी यूथ हैं, सबको पता है कि DSLR कैमरा इज सो कूल, बट DSLR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स अ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। और देखो सिंपल सी बात है, DSLR मतलब मॉडर्न डिजिटल कैमरास और SLR मतलब ओल्ड कैमरास, और इसे कहते हैं सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, मतलब इसमें डिजिटल वर्ड नहीं होता है। और दोनों में अंतर यह है कि जो ओल्ड कैमरास होते थे उनमें जो होता है ना, ये देखो आप ऐसे 35 मिलीमीटर के जो फिल्म होते थे वो यूज होते थे प्रिंटिंग के लिए, फोटो के लिए। और डिजिटल का मतलब ये है कि इसके अंदर डिजिटल सेंसर्स होते हैं, मतलब सिंपल है, जब लाइट कैमरे के अंदर आती है और पिक्चर बनता है, तो ओल्ड कैमरा बाबा आदम का टेक्निक यूज करके उसमें पिक्चर को बनाता था, बट डिजिटल कैमरा उस डेटा को 010101 डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है और उसे हम लोग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं मॉडर्न वे में, उसमें इफेक्ट लगाना, ये लगाना, वो लगाना। तो ये अंतर था बाबा आदम के कैमरा का और आजकल के DSLR। और फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द क्रेड ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।